एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। कि किसी भी, इतना तो ये हो गया मैटर इसका यहां से, कि हम सभी जानते हैं कि जो बहने वाली धारा आई होती है, आई जो होती है धारा बहने वाली, वो होती है आवेशों आवेश प्रवाह की दर के बराबर, मतलब आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी होता है। क्लियर है सभी को? तो अब दोनों तरफ हम एल से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपका आएगा आई मल्टीप्लाई बाई एल इज इक्वल टू आपका आएगा क्यू मल्टीप्लाई बाई एल अपान टी आएगा। देखिए आई मल्टीप्लाई बाई एल इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई एल अपान टी आएगा। दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई सिर्फ एल से करवाया है। अब उसके बाद हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी समय अंतराल में दूरी तय करते हैं तो उसे हम वेग कहते हैं, मतलब वेग इज इक्वल टू होता है लंबाई यानी कि दूरी बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय। तो हम क्या, ये आपकी एल क्या है दूरी, टी क्या है समय, तो एल अपान टी को हम कह सकते हैं वी कह सकते हैं ना, क्योंकि ये वेग है, वेग दूरी बटा समय होता है तो इसको हम वी कह सकते हैं। तो ये आपका निकल के क्या आया आई मल्टीप्लाई बाई एल इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई वी, ये आपका इतना निकल के आया। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने कल एक फार्मूला प्रूफ करवाया था कल वाली वीडियो में, वह फार्मूला क्या था कि एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, यही फार्मूला था ना, बी एल आई साइन थीटा करके था। तो चाहे आई एल बी कहे चाहे बी एल आई कहिए, तो यहां आई और एल के स्थान पे, आई और एल के स्थान पे क्यू और बी लिखा जा सकता है, आई और एल के स्थान पे क्यू और वी लिख दीजिए आराम से आप। तो ये आपका निकल के क्या आएगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, बस यही आपका किसी भी गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का फार्मूला है। ध्यान सुनिएगा फिर यही बात, आई इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई टी, आई और दोनों पक्षों में हमने एल से मल्टीप्लाई किया तो आपका आई मल्टीप्लाई बाई एल इज इक्वल टू एल अपान टी, क्योंकि यहाँ पे क्यू आगे लिख दिया गया, एल अपान टी कर दिया गया। हम सभी जानते हैं कि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, तो एल दूरी है टी समय है, दूरी बटा समय बराबर वेग, तो इसको बी लिख दिया गया। इसका मतलब आई डेल्टा एल इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई एल इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई बी। कल एक फार्मूला था एफ इज इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, आई और एल के स्थान पे क्यू और बी लिखा गया तो एफ इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा आपका ए निकल के आ गया। यहाँ पे वेग दिया गया है, इसका मतलब आवेश जो आपका है वह गतिमान आवेश है, तो किसी भी गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसका व्यंजक यही है। और इस बल को हम सभी लॉरेंज बल भी कहते हैं, कौन सा बल, लॉरेंज बल भी कहते हैं, कौन सा बल, लॉरेंज बल, इस बल को हम सभी लॉरेंज बल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू एक कूलम माने और बी इज इक्वल टू एक मीटर प्रति सेकंड माने तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही तो लॉरेंज बल कहलाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें मैं आप लोगों को विद्युत मोटर की कार्यविधि अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे विद्युत मोटर, अगर ये 7 नंबर में विद्युत मोटर हमेशा पूछा जाता है वो आपके चैप्टर में सिलेबस में हमेशा आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको जरूर पढ़िएगा कल वाली वीडियो में मैं उसको बढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।